दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं बहुत बार सोचा कि बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। सबसे पहला बात, मैं जब भी अपना थोड़ा जो शॉर्ट वीडियो होता है डेली जो अपलोड करता हूँ, उसको डालने के बाद ऐसे ही मैं अपना इंस्टाग्राम में जा रहा था तो मुझे बहुत ख़राब एक शॉकिंग चीज़ मिला है, जो कि मैं बताना नहीं चाह रहा था, बट अब आपको बताना होगा क्योंकि आप लोगों को ये मालूम चलना चाहिए कि कैसे क्या चल रहा है। और सबसे पहला बात तो यहाँ पर जो हमारा स्काईलॉर्ड भाई है वो डेट कर चुका है। अब ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों श्रेय वाईटी ने भी एक वीडियो अपलोड किया है कुछ 3 की 4 मिनट का, उनको ही देख के मैं बता रहा हूँ। और पहले तो मुझे भी डाउट होता था, तो पहले मुझे लगा कि भाई स्काईलॉर्ड है, झूठ बोल सकता है, मजाक कर सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है, तो पहले प्रैंक लग रहा था। बट जब भी मैंने देखा, सबसे पहले उसके चैनल में गया और थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ और यूट्यूबर का देखा, बता रहे थे कि चैनल में उसका जो एक नया चैनल बना था स्काई ब्लॉग, ठीक है, तो उसमें जो अगर आप लोग टी शर्ट देखोगे वहाँ पे उसने एक बाइक राइडिंग टाइप का कुछ जो पहनता है वो पहना हुआ है, ठीक है, तो अगर आप लोग देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो वहाँ पे वो शॉर्ट वीडियो एक डाला हुआ है, तो वही चीज़ अगर आप लोग हमारे श्रेय वाईटी के जो रिसेंट वीडियो है जो आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसमें एक छोटा सा वीडियो डाला हुआ है। इस वेबसाइट में अगर आप लोग जाओगे दैनिक भास्कर, उसमें आपको हमारा स्काईलॉर्ड देखने को मिलेगा, उसका फेस देखने को मिल जाएगा और सेम वही जैकेट पहना हुआ है। तो ये चीज़ अब दैनिक भास्कर तो फेक नहीं दे सकते, आपको ये पता है, अब इतना बड़ा प्रैंक तो नहीं हो सकता दैनिक भास्कर आप लोगों के लिए प्रैंक करे जाके स्काईलॉर्ड के लिए, तो वो होना मुश्किल है, नामुमकिन है। तो वो चीज़ देख के बहुत ख़राब लग रहा था। तो आप में से बहुत सारे स्काईलॉर्ड के फ़ैन थे, क्योंकि मैं अपना यूट्यूब एनालिटिक्स देखा था कि स्काईलॉर्ड के वीडियो जो देखते हैं मेरे भी वीडियो वही देखते हैं, और बहुत ख़राब लग रहा है कहते हुए। पहले 7 दिन की 8 दिन पहले गोकू का डेट हुआ, स्पोर्ट्स के अच्छे प्लेयर थे, और अब यहाँ पर स्काईलॉर्ड, तो भाई समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा। और आप लोगों को पता भी होगा कि 2 की 3 दिन हुआ था नहीं कि मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, जो कि आप लोगों को मैंने अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट भी किया था कि मेरे पैर में बहुत खतरनाक चोट लग चुका है, और मैंने हाथ में भी बताया था, यहाँ भी और इधर भी लगा था पैर के नीचे पास। और अगर आप लोग देखोगे तो मेरे इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करोगे तो आपको पता होगा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई ऐसा क्या हो रहा है, कम्युनिटी में खासकर बहुत लोगों के साथ हो रहा है। अभी ये क्या मुझे कहने में थोड़ा ख़राब लग रहा है कि भाई मतलब जो भी है बंदा, जैसा भी है, अच्छा है बुरा है जो भी है, बट एक होता है ना कि YouTube के बाहर भी एक रियल लाइफ होता है, बट किसी के बारे में जानता हूँ तो उसके साथ ऐसा हो जाता, थोड़ा ख़राब लगता है। और मुझे सबसे ज़्यादा ख़राब ये लग रहा है कि उसके फैमिली में क्या बीत रहा होगा, और बस यही कहना चाहूँगा कि भाई थोड़ा देख लेना, सपोर्ट कर देना, सपोर्ट इसमें कुछ है नहीं, बट फिर भी यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है, कोई वापस आ नहीं सकता। अगर आप लोग जितना भी प्रे कर लो, मुझे पता है कि बहुत सारे स्काईलॉर्ड के फ़ैन थे, बहुत ज़्यादा क्रेज़ी फ्रेंड थे, और उनको तो ज़्यादा दुखी हो रहा होगा कि भाई, तो ठीक है कोई नहीं, बट यही कहना चाहूँगा उनके लिए एक प्रेयर कर देना, उनके मन को शांति मिल जाएगा। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, एक बार प्रेयर ज़रूर कर देना। और एक चीज़ आप लोगों को कहना चाहूँगा कि भाई जो भी राइड करते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, क्योंकि आप में से कुछ यूट्यूबर भी हो सकते हैं, तो ऐसा ब्लॉग मत बनाओ जिसमें आप लोगों को खतरा हो। नॉर्मली ब्लॉग बना लो, बट आपको भी पता है कि जिसको जाना ही का होता है वो जाएगा ही, बट फिर भी आप लोग अपना सेफ्टी देखो, केयर करो अपने आप को। मिलता हूँ किसी और वीडियो में।